ये दूसरी दफा इसके केसेस माफ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हुदायबा पेपर मिल इसका माफ हुआ था मुशर्रफ के साथ। तो मैं ये तजवीज देता हूं कि अब जब इलेक्शन पे वापस अगर नवाज शरीफ आ जाए तो मुझे भी ईसीएल पे डाल देना और इसको भी ईसीएल पे डाल देना। इलेक्शन के बाद तक ईसीएल पे हमें रखें, जब तक नई गवर्नमेंट नहीं बनती उससे पहले भागने नहीं देना इनको, क्योंकि उनमें से ज्यादातर चूहों ने भागने की कोशिश करनी है, किश्ती से छलांग मारने की कोशिश करनी है।